हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आपके पर्सन के मैसेजेस, अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। पिकअप पाइल रीडिंग है, दो पाइल मैं क्रिएट करूँगी। आपको सिर्फ अपने पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट वाला पाइल सेलेक्ट करना है। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा वो पाइल आपके लिए है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले हम पाइल को डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स, जिनके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन भी व्यूवर्स को उनके मैसेजेस पाइल वन में मिलने वाले हैं उनको पाइल वन में, और जिन भी व्यूवर्स को पाइल टू में मैसेजेस मिल सकते हैं उन व्यूवर्स की एनर्जी पाइल टू में, प्लीज़ गाइड करें। ये है गाइस पाइल वन और ये है पाइल टू। सो पाइल वन में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं देखते हैं। सबसे पहले तो है एम, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है एम। देन वी हैव एस, एक्स, डब्लू, आई, क्यू, यू, ओ, टी, वी, पी, जेड। सो अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इन अक्षरों में से है तो आपके लिए है पाइल नंबर वन। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैसेज आ गए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो टेन टेन की वाइब्स है, समथिंग इज़ गोइंग टू कम्प्लीट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ तो है जो इनकम्प्लीट है अभी, जो कि आने वाले समय में कम्प्लीट होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में ये बता दूं कि आपके पर्सन पॉजिटिव एक्शन लेंगे और आपके साथ शादी या यूनियन, अगर शादीशुदा हैं तो यूनियन की वाइब्स हैं, वापस आ सकते हैं, यूनियन हो सकता है। और यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिलने वाली है बिकॉज वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं सबसे पहले तो कि आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो भी गलत फहमी थी या जो भी प्रॉब्लम्स थी, उससे बाहर निकलकर अब आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म होने वाली है। तो ये पहली गुड न्यूज़ है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। यहाँ पर आपको लॉयन के साथ एक महिला नज़र आ रही है, यहाँ पर देवी स्वरूप की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई डिवाइन पावर्स हैं या आप एक डिवाइन बीइंग हो और आपकी सोल को हर्ट करके इनको सुकून नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नवरात्रों में आपसे वापस आके बातचीत कर सकते हैं अगर सेपरेशन में है तो। अदरवाइज़ यूनियन की वाइब्स है बिकॉज़ यहाँ पर मुझे जो वाइब्स पिक हो रही है, अगर ये रीडिंग आप नवरात्रि के आसपास देखेंगे तो ये एनर्जी आपसे 100% उस टाइम पे रेजोनेट करेगी। बट अगर ये रीडिंग आप बाद में देखते हैं तो इस रीडिंग को देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज़ के अंदर, 10 दिन के अंदर, बिकॉज वी हैव 10, 10 एंड 20, तो यहाँ पे 10 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10 घंटे के अंदर, 10 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को परमानेंट यूनियन की कमिटमेंट मिल सकती है या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड ले लिया, फैमिली में एक्सप्रेस कर दिया, इस तरह की वाइब्स है। इवन इस वक्त आपके पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर निकल कर आया है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही है, अगर आप दोनों दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, और अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो भी ये आप पर नज़र रख रहे हैं। मतलब या तो इनके मन में, अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो इनके मन में आपको देखने का, आपको
आपके बारे में जानने का विचार है, बट अगर कॉन्टैक्ट में होके भी कोई व्यक्ति स्पाई कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सन फिर उस सिचुएशन में इस एनर्जी में हो सकता है कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे चीट ना कर रहा हो, मेरा पार्टनर कहीं ऑनलाइन है तो वो क्यों है। तो कई बार हो सकता है कि वो आपको कोई टॉन्ट भी मार दें कि मतलब कहाँ किससे बात हो रही है, या चैट भेजो हमें देखना है किससे बात हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी एनर्जी है कि इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है और ये डिसीजन बहुत जल्द आपको पता चलेगा। तो ये निर्णय ले चुके हैं या ले चुकी हैं जो कि आपके सामने आने वाला है। कुछ लोगों के पर्सन देखिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दे सकते हैं। कोई ऐसा निर्णय ये आपको सुना सकते हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ हो, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार इसने तो मेरे पीठ में 10 खंजर घोंप दिए। तो ये वाइब्स हैं आपके लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए होप्स रखिए, पॉजिटिव एनर्जी है, बट आने वाले 10 आवर्स या 10 डेज़ के अंदर क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी यूनियन को लेकर, और कुछ लोगों का कर्मा पेंडिंग है जहाँ पर आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, तो आपको ये नोटिस करना है कि जब भी ये रीडिंग आप देखते हो उसके बाद 10 घंटे के अंदर या 10 डेज़ के अंदर क्या आपसे ये यूनियन की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, या आपको बहुत बड़ा ट्रिगर कोई मिल रहा है आपके पर्सन से। अगर यूनियन की एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ट्रिगर आपको मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका कुछ ना कुछ कार्मिक बैकलॉग है आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण ये धोखा आपको इस लाइफ में मिलना था और ये मिला। ऐसी सिचुएशन में आपको इन्हें फोगिव करना है, ना कि ब्लेम करना है, ना ही अपने अंदर रिवेंज का कोई भावना रखना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फिर अगर इस लाइफ में आप रिवेंज नहीं ले पाए, आपको नेक्स्ट बर्थ लेकर आना होगा सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप रिवेंज लीजिए या आप पेशेंस रखिए, बट मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जो होना है अगर वो होता है तो उसके बाद इंस्टेंटली जो आपको डिसीजन लेना आप लीजिए। कोशिश कीजिए कि फॉरगिव एंड रिलीज, ताकि आपका कॉर्ड उनसे कट हो सके, आप दूर हो सके परमानेंटली उनसे, कि चलो ठीक है भाई तुमने जो किया सो किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया, बस काम ख़त्म, आपका कॉर्ड कट हो गया उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसके साथ। मैं यही प्रे करूँगी कि ये किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट क्योंकि एनर्जी आई है तो किसी न किसी से तो ये रेजोनेट करेगी। देखते हैं डाइस से कि किन राशि वालों से ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट कर सकती है, या आपके पर्सन की क्या साइंस या सिंबल्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर राशि की बात करूँ तो आपके पर्सन का राशि अगर कुंभ है, अक्वेरियस, जेमिनाई है, या मीन है, पाइसिस, या लिब्रा है, या फिर वी हैव अ टॉरस, ठीक है, एंड वी हैव एरीज, तो अगर ये राशियां हैं तो ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट करेगी। स्पेशली अगर आपके पार्टनर की ये राशियां हैं, सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, स्पेशली मून साइन या असेंडेंट, तो ये एनर्जी बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 2 तारीख है, 1 तारीख है, 10 तारीख है, या 11 तारीख है, 3 तारीख है, 7 तारीख है, तो भी ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट करेगी। इवन अगर सम टोटल भी 6 है, जैसे कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 24 तारीख को है या 15 तारीख को है, तो भी सम टोटल 6 आता है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। महीने की बात करें तो अगर वो फेब मार्च नवंबर, जनवरी, जून एंड अक्टूबर, अगर इस महीने में उनका बर्थ हुआ है तो भी ये एनर्जी आपसे बहुत जल्द रेजोनेट करेगी। प्रोफेशन की बात करूं तो अगर वो पब्लिक इमेज हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या सोशल वर्कर हैं तो भी, नर्स हैं तो भी, आर्मी नेवी, ये भी गवर्नमेंट जॉब में ही आ गया ओवर एंड ऑल। इसके अलावा अगर वो टीचर हैं या बैंक में काम करते हैं तो भी। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है स्टॉक ब्रोकिंग करते हों,
तो भी ये एनर्जी आपसे बहुत जल्द रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइस आपकी पाइल की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सभी के लिए पाइल 2 है। आइए देखते हैं कौन कौन सी अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल 2 में। वी हैव अल्फ़ाबेट एफ, ई, एच, डी, जे, आर, सी, एन, जी, के, ए, वाई, एल, बी। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में से है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार अगेन। पाइल 1 में भी द स्टार था, पाइल 2 में भी द स्टार है। देखते हैं और क्या एनर्जीज आई हैं। वी हैव द स्टार, वी हैव द मजिशियन, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि 6 में से 3 मेजर अरकाना है और मेजर अरकाना तीनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और साथ ही साथ ये हाइड करते हैं। भले ही आपसे एक्सप्रेस ना करें, भले ही आपको चीज़ों को ओपनली ना बताएं, दिल में रखें अपने जज्बात को, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते अगर वो शो नहीं कर रहे हैं तो। थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शो करना पसंद करते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लगाना, स्टोरी शेयर करना, स्टेटस लगाना, रोमांटिक जेस्चर्स देना, एक्सप्रेस करना, गिफ्ट्स देना। और वहीं कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो प्यार बहुत करते हैं बट वो शोई नेचर के नहीं होते। उनके जो जज्बात हैं वो बहुत रिजर्व रखना चाहते हैं। वो अपनी भावनाओं को सिर्फ आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं और दुनिया से उनको लेना देना नहीं है। तो इस तरह की दो पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो आपके पर्सन इस पाइल में ऐसा लग रहा है कि बहुत हाइड करने की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा छुपा कर रखना, बहुत ज़्यादा अपने जज्बातों को अपने तक रखना। कभी कभी जब आपसे इनको फील हो जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो इनको लेकर, तब ये एक्सप्रेस करते हैं। जब इनको ऐसा लगता है कहीं आपको खो न दें, कहीं अगर अब नहीं बोले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब ये बोलना शुरू करती हैं या शुरू करते हैं। इस तरह की वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस पाइल में आपके पर्सन के दिल में ज़ख्म है। दिल में ज़ख्म का मतलब कोई बीमारी नहीं, यहाँ पर इनको चोट पहुँची है आपकी किसी बात से। आपने कुछ तो ऐसा किया है या कुछ तो ऐसा बोला है जिसके कारण ये हर्ट है, या फिर इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो कोई ना कोई ट्रिगर इनको मिला है। क्योंकि इस वक्त इनकी वाइब्रेशन ऐसी है कि ये आपको खोना तो नहीं चाहते, बट क्योंकि इनको बहुत गुस्सा है या अंदर अंदर तकलीफ़ है जो कि ये शांत रहकर दिखा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, अकेले में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे कैसे कह दिया ऐसा, या मुझ पर कैसे शक कर लिया, या मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। कुछ तो ऐसा है, या तो अगर इनको ये डाउट है कि आपने इनको चीट किया है या आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये इनको तकलीफ़ है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहे जो भी सिचुएशन में हो, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुलकर। कुछ लोगों के पर्सन का रिसेंटली आपसे ब्रेकअप हुआ है या झगड़ा हुआ है इस पाइल में, तो अगर रिसेंटली झगड़ा हुआ है तो ये दुखी हैं, ये सही समय का वेट कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जानते हैं कि चाहे कितना भी झगड़ा लड़ाई हो जाए बट ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। केयरिंग है एक दूसरे के लिए, केयरिंग कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, इसीलिए होप की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप ही इन्हें सामने से कॉन्टैक्ट करें, स्पेशली अगर झगड़ा हुआ है तो, या ये सही समय पर आप तक रीच आउट करेंगे।
कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है इस फाइल में कि ये फाइनेंशियली बहुत परेशान है और हो सकता है कि ये थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद ही आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। देखते हैं कुछ साइंस डाइस से, जिससे आपको समझ आए कि आपके पर्सन की एनर्जी कितनी ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी। कुछ साइंस जिन लोगों से रेजोनेट करेगी उनसे ये जो मैसेजेस हैं वो जल्द से जल्द रेजोनेट करेंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 4। इस रीडिंग को देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 4 आवर्स 4 डेज या 22 आवर्स या 40 आवर्स के अंदर ये एनर्जी, ये मैसेजेस आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किन लोगों को जल्द से जल्द मैसेजेस रिसीव होंगे। ओके, अगर आपका आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है 7, 12, 4, 8, 5, 9 और 11, तो ये एनर्जी बहुत जल्द आपसे रेजोनेट करेगी। इसके अलावा अगर उनकी राशि है कर्क, वी हैव एरीज, मींस अगर उनकी कैंसर है एरीज है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, पाइसेस है, एंड वी हैव लिब्रा, तो ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट करेगी। इवन टॉरस, और उनके प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है उनका बिजनेस, किसी तरह का बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस या फर्नीचर बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेस, वीनस रिलेटेड वर्क, या वे आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन पुलिस में हो सकते हैं या आर्मी में हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन CA हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, बैक ऑफिस या इस टाइप की। मून की एनर्जी फूड एंड रेस्टोरेंट या ट्रैवल बिजनेस में भी हो सकते हैं। इस फाइल में ये एनर्जी है, तो अगर ये आपके पर्सन का प्रोफाइल है इनमें से, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी आपसे बहुत जल्द रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, मिलते हैं नाइट में करेंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और कुछ एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।